बीकानेर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक बीकानेर में कोरोना के 34 मामले सामने आ चुके हैं। जिला कलेक्टर और एसपी में कर्फ्यू लगाने के बाद पुलिस के फोर्सेज तैनात किए हैं। इस कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र का बीकानेर संवाददाता केके सिंह ने जायजा लिया। मरु नगरी बीकानेर में इन दिनों कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ती जा रही है और उसी के चलते बीकानेर के उपनगर गंगा शहर में भी पेशेंट सामने आया है। उसके चलते यहाँ गंगा शहर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। देख सकते हैं किस तरह से बीकानेर की पुलिस व्यवस्था है। यहाँ चाक चौबंद नजर आ रही है, बराबर यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ और प्रशासन यहाँ बराबर एक तरह से अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है और जांच करते हुए लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बीकानेर के इधर जिला कलेक्टर और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा की टीम भी यहाँ पर पहुंची भी है। देख सकते हैं कि अब किस तरह से यहाँ की जो तमाम व्यवस्था है यहाँ पर नजर आ रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद है बीकानेर के उपनगर गंगा शहर के हरिराम चौक के अंदर। चोपड़ावाड़ी यही वो क्षेत्र है जहाँ पर सस्पेक्टेड निकला था और जिसे पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है। केके सिंह, सहारा समय, बीकानेर।